हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। मात्र 5 सेकेंड में शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। तो पहला ट्रिक फोर रूल, पहला रूल जो है फोर का, मतलब कि या प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे 4 और माइनस 4 रहेगा तो माइनस करेंगे। कहना क्या चाह रहे देखिएगा, 14 कैसे आता है 10 प्लस 4, तो 14 में क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर निकालना है तो 14 प्लस 4 करेंगे बाय 4 का स्क्वायर करेंगे। क्या आ जाएगा 14 प्लस 4 क्या हो गया 18 बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब क्या करना है 8 और 1 को ऐड करना है, क्योंकि 10 का बेस है इसीलिए ऐड करना है। क्या जाएगा आपका 8 प्लस 1 9 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन 96 का स्क्वायर, तो मतलब कि 96 कैसे आ रहा है, आप कर रहे हो 100 माइनस 4 कर रहे हो, तो क्या करना है यहाँ पे 96 माइनस 4 करना है और क्या करना है बाय 4 का स्क्वायर करना है स्लैश। फिर क्या हो जाएगा 96 में 4 चला गया तो क्या बचेगा 92 बचेंगे स्लैश 4 का स्क्वायर क्या 16 होता है। तो आपको पता है कि 100 के बेस में 4 डिजिट आते हैं, तो इसमें ऐड नहीं करेंगे 100 के बेस का, अगर 100 बेस है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 4 डिजिट आते हैं। तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली हम लिख देंगे 9216, तो 96 का स्क्वायर क्या जाएगा 9216 हो जाएंगे। तो ये 4 का रूल था। तो मतलब कि आपके दो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 24 का स्क्वायर क्या होगा बताना है और 86 का स्क्वायर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिएगा क्या, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है नेक्स्ट रूल यूनिट डिजिट 5। अगर आपकी यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, मतलब कि 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर आपके 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, तो ये सब आपकी यूनिट प्लेस पे क्या रहे 5 आ रहे हैं। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो पहले यूनिट प्लेस का क्या है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 2 का क्या करो, 2 एक बढ़ा दो 3 हो गया, 2 3 से कितना हो गया 6, मतलब क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 65 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, फिर 6 है तो 6 यूनिट है आपका, तो 6 लिख दो और एक बढ़ा के डिजिट लिखो तो क्या जाएगा 7, 6 7 जा कितना जाएगा 42, तो यहाँ पे 42 लिख दो, तो ये क्या जाएगा 42 25 आपका ये क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे 65 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट जो है 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 यूनिट प्लेस का, फिर 10 है तो 10 लिख दो ये 10 और एक बढ़ा के क्या 11 हो जाएगा, 11 10 जा कितना होता है 110 होता है, तो ये वहाँ पे 110 लिख दो, क्या जाएगा 105 का स्क्वायर 1025 हो जाएंगे। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये 3 क्वेश्चन जो आपके दिए हुए हैं इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपके अगर यूनिट डिजिट पे क्या 1 हो, यूनिट डिजिट पे 1 हो तो कैसे निकालते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 50 प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया 11 का स्क्वायर, फिर क्या 21 का स्क्वायर, फिर 31 का स्क्वायर, फिर 35 का सॉरी 31 हो गया ना, फिर 41 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है ना, तो इसका कैसे निकालते हैं, तो क्या करना है 50 प्लस 1 लिखेंगे, आप 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएंगे। अब क्या करना है फिर 50 × 2 करना है, क्या हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, फिर क्या करना है 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे क्या जाएगा 1 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 1056 40, तो 51 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2601 हो जाएंगे, 2601 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है 81 का स्क्वायर लिखना है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं 80 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाता है 80 का स्क्वायर 6400 हो जाते हैं, 6400 हो जाते हैं, ठीक है क्या हो जाता है 6400 हो जाता है। फिर आपका क्या 80 × 2 करना है, 80 × 2 कितना जाएगा 160 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1656,
मतलब कि 81 का स्क्वायर क्या जाएगा 6561 हो जाएगा, 6561। अगर ये आपको समझ आ गया तो 31 का स्क्वायर और 61 का स्क्वायर क्या होगा आपको आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, धन्यवाद।